नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में लोकसभा चुनाव है। चुनावी दंगल पूरी तरह से सच चुका है, लेकिन ऐसे में एक सवाल जो हर एक पंजाबी के जहन में है वो ये है कि पंजाब की आवाम के साथ कौन सी पार्टी कर रही है दगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसान जथेबंदियों को करारा जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ कई सवाल खड़े किए। वो सवाल ये है कि भाई किसान जथेबंदियां विरोध कर रही हैं, किसान विरोध नहीं कर रहे, इसके क्या है मायने, और पंजाब की आवाम के साथ कौन कर रहा है दगा। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी है, और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी जी हैं। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है, और चर्चा की शुरुआत रमन महाजन जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि हरजीत गरेवाल जो कि बीजेपी लीडर है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। वो बयान मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। उनका बयान ये था कि जो किसान जथेबंदियां हैं ये विरोध कर रही हैं, किसान विरोध नहीं कर रहे। उसके साथ उनका ये भी कहना है कि आज संविधान को खतरा बनाने वाले लोग खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और उसके साथ उनका ये कहना है कि कई तरह के जो है हथगंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए। और बीजेपी ने अब तक जो है वो पंजाबियत के लिए जो कुछ किया है, जो पंजाब के लिए किया है, वो सबसे ज्यादा अगर भला कर सकती है तो वो बीजेपी पार्टी है। और अन्य पार्टियां दावा करती हैं, सियासत करती हैं, और कई तरह के दावे गारंटियां भी देती हैं, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पंजाब और पंजाबियत की शहादत को समझते हुए पंजाब के लिए एक अलग अपना प्यार दिखाया। लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि ठीक है, विरोध या किसी तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल इसलिए है क्योंकि जो विपक्ष है वो जानबूझ के जो विरोधी है वो इस बात को तूल दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इसकी सच्चाई जो है वो कुछ और है, उसके मायने कुछ और है। यानी कि सीधे तौर पर कई सवाल है, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि किन किन पार्टियों को निशाने में लिया है और इसके मायने क्या निकाले कि जथेबंदियां विरोध कर रही है, किसान नहीं। नमस्कार, पहले तो सबको आज अंतर्राष्ट्रीय अर्थ दिवस की बहुत बहुत बधाई है। आज धरती माता का दिन है, वैसे तो रोज ही उनका दिन है, पर आज राष्ट्रीय लेवल पर धरती माता का दिवस मनाया जा रहा है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं उसकी। जहां तक हरजीत गरेवाल जी का संबंध है, मैं कह रही हूँ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ जत्थेबंदियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं। आम किसान जो है वो मोदी जी के हर जो पॉलिसी है उससे खुश है, उनको फसल बीमा मिल रहा है, उनको 6,000 रुपया आ रहा है उनके सीधा, और जो मुश्किल है आप समझो, जो बिचौले हैं मुश्किल उनके लिए है। मुश्किल उनके लिए ये है कि पहले उनके थ्रू जाता था, जो मंडी से अनाज उठाया जाता था वो भी उनके थ्रू उठाया जाता, पैसा आता था वो भी बिचौलिए के थ्रू आता था। ज्यादा जो तकलीफ है वो उन लोगों को तकलीफ है जो आम किसान को जो इस तरह का वो चाहते थे वो सब पहुंच रहा है उनके पास, उनके अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है। कौन लोग हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए, मैडम आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, तो कौन लोग हैं ये जो लगातार गांव में बीजेपी लीडरों का विरोध कर रहे हैं, उनको प्रचार करने में रोक रहे हैं, उनको काले झंडे दिखा रहे हैं और बॉर्डर पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं ये? आप कह रहे हैं कि किसान जथेबंदियां हो सकती है, किसानों की जिनको तकलीफ है कि उनको ये जो है ये सब बिचौलिए हैं, जिनको पहले बीच में से पैसा मिल जाता था, पहले ये जो दाना उठाया जाता था या अनाज उठाया जाता था ये बिचौलियों के थ्रू जाता था, उनके नाम पे जाता था, वो बंद हो गया। अब किसानों के नाम पे उठाया जाता है, उनको ये तकलीफ है कि उनका बीच में से बंद हो गया, ये सब बिचौलिए हैं और ये दूसरी ताकतों के साथ मिलकर ये ऐसा भ्रम फैला रहे हैं पूरे पंजाब में। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, वो ये समझती है कि जो पंजाब के लोग हैं या जो पंजाब से कंसर्न लोग हैं वो एक जो है देशभक्त कौम है, उसके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। देशभक्त कौम है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि दूसरी ताकतें, वो कौन सी ताकतें हैं मैडम, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि पूरी आवाम आपको देख रही है। जो नहीं चाहती है, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि भारत में स्थिरता आए,
बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत में ये आपस में लड़ते रहें, और ये लड़ने का जो है ये वही लोग दगा कर रहे हैं जो आपस में लड़ा रहे हैं। पहले भी ऐसे हुए, अभी भी यही हुआ है। उनको तो एक, जैसे वो कहते हैं ना, एक पॉइंट मिलना चाहिए जहां पर वो इस तरह का भ्रम फैला सके, मोदी सरकार के विरुद्ध और केंद्र सरकार के विरुद्ध। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। पासी साहब क्या कहेंगे, बीजेपी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि भाई हम तो किसानों की हकीकी पार्टी हैं और पंजाब के हित के लिए बात करते हैं और पंजाब की शहादत को हम याद करते हैं और पंजाब के अवाम के साथ में दगा नहीं होने देंगे और पंजाब की अवाम के साथ हर तरह का न्याय करेंगे, क्या कहेंगे? जसवीर जी, आपको भी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं आपको थोड़ा टाइम याद करा दूं। आपने 2 मिनट कहा था लेकिन 5 मिनट 20 सेकंड आपने लगवाए हैं पहले उसमें, तो आपने 3 मिनट ज्यादा खराब कर दिया आज की डिबेट के। आपने जल्दी जाना भी था। अब मैं अपना टाइम लेते हुए शुरू करूंगा बीजेपी की। तो बीजेपी का असली नाम जसवीर जी जो आजकल चर्चा में है वो है बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। कहते हैं जी हमने किसानों का हित किया, किसानों की हितैषी पार्टियां, या गरेवाल साहब हरजीत गरेवाल जी कह गए जी किसानों की हितैषी पार्टी है और किसान जथेबंदियां विरोध कर रही हैं। किसान ने देखो पहले तो इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी, किसान जथेबंदियों में किसान ही मेंबर है और इनको पंजाब में लोग किसान बढ़ने नहीं दे रहे, गाँव में नहीं आने दे रहे, इसलिए ये फर्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, बीजेपी के हितैषी कारनामे मैं आपको सबसे पहले सुना दूं कि याद होगा 700 से ज्यादा किसान दिल्ली के संघू बॉर्डर पे, उनकी शहादत हुई, मौत हुई और बीजेपी को जूं नहीं रेंगी। अभी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए बीजेपी की तरफ से, बहुत झूठी पार्टी कहूंगा मैं, आंसू गैस के गोले, गोलियां, किसानों की मौत, दूसरा इंसिडेंट किसान हितैषी होने का, तीसरा बीजेपी का किसान हितैषी होने का इंसिडेंट लखीमपुर खीरी याद है कि बीजेपी के नेताओं ने कैसे किसानों के ऊपर जाते हुए पीछे से जिपें चढ़ा दी, कितनी मौतें हुई, आज तक पूरा इंसाफ नहीं मिला। चौथी मैं बीजेपी की किसान हितैषी होने का झूठ साफ कर दूं कि इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे जी, हुई हुई किसानों की आय दुगनी, हुई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू, कब हुई? किसानों के बच्चे जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, कहां है 2 करोड़ नौकरियां जो बीजेपी कहती थी हर साल देंगे, कहां? मतलब क्या है कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा दगा किया ना सिर्फ किसानों के साथ बल्कि पूरे देश के साथ तो वो बीजेपी है, क्योंकि आपका है कौन सी पार्टी दे रही दगा, ये अपना टाइटल है। और इलेक्ट्रल फंड सबसे बड़ा स्कैम साबित हो रहा है। अभी एक लेटेस्ट आंकड़ा आया था कि जिस दिन बीजेपी को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी फंड्स दे देती है तो उनको उनकी मेडिसिन कोविड के दौरान मार्केट में उतारने दिया जाता है और वो 150 रुपए की जो मेडिसिन होती है वो 600, 700, 800 तक जाती है और वो लोग इनकी कृपा से अरबोंपतियों की लिस्ट में शामिल हो जाती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, और अरबपतियों की गिनती इनकी सरकार में पिछले 10 साल में। उसके साथ एक सवाल है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इंडी गठबंधन पर निशाने साधे हैं और ये कह दिया कि इंडी गठबंधन की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो ऐसे हैं कि केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं उन्हें जेल से छुड़वाने पे सबसे ज्यादा जोर इंडी गठबंधन का लग रहा है। संविधान का खतरा बताकर जिस इंडी गठबंधन को बनाया गया था आज वही इंडी गठबंधन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। जिसके ऊपर केस है वो कह रहे कि उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, तिहाड़ जेल में वो बंद है, लेकिन आज उनको छुड़वाने के लिए सबसे ज्यादा जोर इंडी गठबंधन को लग रहा है। लोग जो है जिसको लोगों को ये कहा जा रहा था कि भाई लोग जो है इसके रास्ते में ना आए और हम जो है संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि लोगों के साथ धोखा किया है कि आप और कांग्रेस अब एकजुट है, लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ ये धोखा देके पार्टी आगे बढ़ रही है वो उस पर कई सवाल खड़े थे, इस पे क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जसवीर जी, जो आपने ये अभी कहा ना, तो ये बीजेपी के बहुत झूठी झूठी पार्टी होने का दूसरा सबूत है। अब सुनिए, पहले तो वो इंडिया गठबंधन है, इंडिया कहते हुए इन्हें डर लगता है, पता नहीं क्यों इंडिया कहते हुए घबरा जाते हैं, चलो कोई बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की
विरोध चल रहा है, चंडीगढ़ का इलेक्शन चोरी करती है बीजेपी, शरेआम पकड़ी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में लताड़ पड़ती है, वहां पे इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर माफी मांगता है, तो झूठ क्या बोल रहे हैं जी कि इंडिया गठबंधन संविधान के खिलाफ है। दूसरा आपने कहा जी कि ट्रायल चल रहा है केजरीवाल जी के पास, बिल्कुल गलत है, ये भी झूठ है, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, सिर्फ और एक सिर्फ षड्यंत्र रच के उनको इलेक्शन प्रचार से रोकने के लिए उनको झूठा एक गवाहियां तैयार करवा के, जब तक मुग्धा रेड्डी और शरत रेड्डी और राघव ने केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स होती चलेंगी, पहली स्टेटमेंट्स में कोई नाम नहीं था, उनको सिर्फ अरेस्ट करने के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। आज सीबीआई को तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कहती थी जजबीर जी पिंजरे का तोता, ईडी को आज लोग क्या कह रहे हैं, जैसे मिसयूज बीजेपी कर रही है इनकी सरकार, वो कहते हैं इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी बन चुकी है ईडी, संविधान की धज्जियां ये उड़ा रहे हैं, सरकारें ये तोड़ रहे हैं, लगातार जो है जी साम दाम दंड भेद ये अपना रहे हैं, संविधान को सबसे बड़ा खतरा इनसे है। चलो मेरा टाइम हो गया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट ये भी इनका बहुत बड़ा झूठ सामने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने संविधान के खतरे को बताते हुए ये कहा कि आज किससे किस पार्टी को संविधान से खतरा है वो लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, मैं उस पर नहीं आऊंगा क्योंकि बात को अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम विषय से भटकेंगे और मैं नहीं चाह रहा कि आज विषय से भटका जाए, आज सार्थक डिबेट होनी चाहिए। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ हैं। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सिखों की हताशी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य कर दिया जो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ, क्योंकि सिखों की एक अरदास थी, वो अरदास ये थी कि खुले दर्शन दीदारे गुरु धामों के हों, तो वो करतारपुर लांगे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने करतारपुर लांगा खोल दिया, हमने 84 के दंगों के दोषियों पे उनको सजाएं दी, मोदी सरकार ने सिखों की शहादत को याद रखा, सिखों के जो धार्मिक गुरु हैं, जो पूरे उनके जो पूरे पर्व जो है वो बड़े श्रद्धा भावना के साथ मोदी सरकार ने मनाए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जजवीर जी, अगर मोदी सरकार ने करतारपुर साहब का लांगा खोला है तो ये अच्छी बात है, इसके लिए सिख धर्म और पूरा पंजाब पूरा देश उनका उनका मतलब उनको थैंक्स कहता है। अगर उन्होंने 84 के दंगों के दोषियों को सजा दिलवाई है तो केंद्र की सरकार जो उसका फर्ज बनता है कि उसने जो किया है, जो लोगों की भावनाएं आहत हुई थी तो उन्होंने उसके ऊपर इंसाफ दिलाया, अच्छी बात है, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर ये आप कह रहे हो कि किसानों का किसान हितैषी पार्टी है या पंजाब हितैषी पार्टी है, तो फिर आज इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका विरोध क्यों हो रहा है? आज मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूं, यहां जो तरनदीप है उनका संधु साहब का उनका विरोध हो रहा है, और जनाला जाते हैं तो किसान झंडे लेके खड़े होते हैं, काली पट्टियां लेके खड़े हो जाते हैं, आपके परमपाल कौर जी जो मुल्का परिवार से है उनका विरोध हो रहा है, जितने भी पंजाब में कैंडिडेट बीजेपी ने अभी तक खड़े किए हैं वो जब भी अपने घर से निकलते हैं तो विरोध उनके साथ ही शुरू हो जाता है। विरोध देखिए, जो उन्होंने सिख कौम के लिए किया है वो अच्छी बात है, लेकिन जो अगर ये वो कहते हैं कि हम किसान देशी है पंजाब देशी है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। 2021 तक 10,880 लोगों की शहादत हो चुकी किसान भाइयों की, तो उसका दोषी कौन है? अभी 2 साल पहले 780 किसानों की शहादत हो चुकी थी, उसका दोषी कौन है? उसके अलावा अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था शुभकरण की मौत का, जिसका ना तो पंजाब सरकार ने कोई संज्ञान लिया, और हरियाणा की गवर्नमेंट जो बीजेपी ऑपरेट कर रही है वहां से एक गोली चलती है और शुभकरण की शहादत हो जाती है, तो उसके ऊपर बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो वो कैसे कह सकती है कि हम लोग पंजाब के हितैषी हैं या किसानों के हितैषी हैं? जो लड़का मारा गया था वो भी किसान ही था, उसके अलावा एक लड़का प्रीतपाल था जिसको हरियाणा की पुलिस ले गई थी, वो भी बीजेपी पर रेड करती है ना वहां पे हरियाणा में, तो वहां पे उन्होंने क्या किया? जथेबंदियां विरोध कर रही है, किसान नहीं है वो, कहते हैं कि पूरे मुकम्मल तौर पर अगर सभी किसानों की बात की जाए तो वो गलत होगा, वो कहते हैं कुछ किसान जथेबंदियां हैं लेकिन सभी किसान नहीं है। सर सारी जथेबंदियां ही है, ये अब कहने और बताने में इसको घुमा रहे हैं, एक ही बात है, सारे किसान जथेबंदियां इकट्ठा ही बीजेपी का विरोध कर रही है, और देखिए ना ये कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया कि यहाँ ये करेगी पार्टी विरोध, यहाँ वो पार्टी विरोध कर रही है, किसान जैसे बढ़िया एकजुट होकर एसकेएम के झंडे के नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बात नहीं कहने, ये बात बिल्कुल गलत है कि बीजेपी किसान हितैषी पार्टी है, किसान हितैषी पार्टी नहीं है। आज अगर किसान हितैषी पार्टी होती तो आज इनका इतना विरोध ना हो रहा होता सर।
आम जो किसान है वो बीजेपी के साथ है और वो चाहता है कि मोदी सरकार जो है जो कर रही है वो सही कर रही है। ऐसे बहुत से किसान हैं जो उनके साथ हैं, कुछ लोग हैं जो उनको भ्रमित कर रहे हैं और उनको वो चीज देखने नहीं देते हैं जो उनके लिए सही है। मैडम रमा मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अमृतसर के ना गाँव घुमाता हूँ। बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स लगा के रखे हुए हैं कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट अगर आएगा तो हम लोग उसको गांव में घुसने नहीं देंगे, वोट डालने तो बड़ी दूर की बात है। और देखिए ये किसी नहीं देखिए ये किसी एक जगह नहीं लगा हुआ है, 500 गांव में लगे हुए हैं, तो पूरा का अजनाला में लगे हुए हैं, अटारी में लगे हुए हैं। अब देखिए जो बॉर्डर बेल्ट है हमारी, इसमें सारे जगह लगे हुए हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ आना नहीं देने, यहाँ आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद होगी। तो इस बात को भी समझिए आप, विरोध है, विरोध है। उसका फसल काटने का समय है वो उसमें लगेगा, वो वाडियों का समय उसमें लगेगा, वो इस तरह के काम नहीं करेगा। ये आप समझो, ये वही है जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपना जो है एक परिचय देना चाहते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आम किसान एक और सवाल जो है वो पंजाब की आवाम का है, लगातार पंजाब के लोग, पंजाब की आवाम ये सवाल खड़े करते आ रहे कि दिल्ली हमेशा ही पंजाब के साथ में जो है वो व्यवहार सही नहीं करती है, क्योंकि तो पंजाब के हक जो है वो दिल्ली, चाहे वो दिल्ली में कोई भी सरकार रहे, चाहे वो कांग्रेस की रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रहे, वो कहते हैं कि एक धारणा ऐसी बनाई गई है कि भाई पंजाब की आवाम के साथ में कभी भी जो है सीधे तौर पर वो उसका भले की तरफ नहीं देखा जाता, लेकिन उसे दुर्व्यवहार किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये दुर्व्यवहार नहीं होता है, ये पंजाब की किस्मत है कि जब इनको पिछले दो जो टर्म्स में इतने अच्छे कैंडिडेट यहाँ पर आए तो उनका चुनाव ही नहीं किया गया। जब ये कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ पे विकास हो पाएगा, वो ऐसा हो नहीं पाता। कितनी सारी स्कीम्स केंद्र के द्वारा भेजी जाती हैं, ये फसल बीमा स्कीम है ये लागू ही नहीं की गई अभी तक। ये दगा तो ये लोग कर रहे हैं, जो स्कीम केंद्र से आती है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होती है, पैसा पड़ा रहता है, मतलब वापस चला जाएगा पैसा, पर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। दगा तो ये लोग कर रहे हैं जो केंद्र की स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते हैं, अंदर से अंदर ही सब चलता रहता है, दगा तो ऐसे लोग कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि केंद्र की बाकी जगह पे जाती है स्कीम, ये लोग स्कीम ही नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके कारण फायदा नहीं मिल पाता उसका। और मैं अभी भी ये लेकिन कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी जाते हैं, ईमानदार बन जाते हैं, और जिस भ्रष्टाचारियों के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, आज उनको अपनी पार्टी में लिया, लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि ये तो ईमानदार थे, इसीलिए हमारे पास भ्रष्टाचारी। आप किन किन को भ्रष्टाचारी कहेंगे? सुनील झाकड़ को भ्रष्टाचारी कहेंगे, ब्रह्म कौल को भ्रष्टाचारी कहेंगे, या जो चौधरी आए इनकी, संतोष चौधरी जी की पत्नी यहाँ आई है उनको भ्रष्टाचारी, किस किस को भ्रष्टाचारी कहेंगे आप? इसका मतलब इन्होंने सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे किए हुए थे जो यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ गया जो इनके पास है। बिल्कुल, सवाल भी तो यही है ना, सवाल भी यही है कि जब इनकी पार्टी में लीडर रहते हैं तो वो ईमानदार है, जब इनकी पार्टी को छोड़ते हैं तो वो भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं? रमा महाजन जी। हाँ जी, मेरी ये प्रार्थना है कि जब पार्टी में इतने लोग आए हैं इनमें से किस कौन भ्रष्टाचारी, अगर ये समझते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी यहाँ आ रहे हैं तो इन्होंने क्यों भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे किए हुए थे? अगर वहां से आप पार्टी से आते हैं तब भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस से आ रहे हैं वो भी भ्रष्टाचारी है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने यहाँ पे बहुत वैलिड जो है एक पॉइंट उठाया है कि भाई जब आपकी पार्टी में रहते हैं लीडर तो वो ईमानदार है, उसकी कस्में खाई जाती हैं, और जब वो पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी को रुख करते हैं तो वो भ्रष्टाचारी क्यों हो जाते हैं? या फिर ये कह दिया जाता है कि भाई ये लीडर जो है काम का नहीं था, इस लीडर को जो है वो हमारा इस पर इसके साथ पब्लिक के कई मतभेद थे या कई नाराजगी थी, तो ये ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। विक्रम पासी जी का मैं रुख करूंगा, पासी साहब क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कई सवाल है, उन सवालों के बीच अब बीजेपी लीडर का एक और सवाल है, रमनीत बिट्टू जो कि कांग्रेस को छोड़ के अभी थोड़ी देर पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दी और उनके द्वारा अब पंजाब सरकार पर एक नया बड़ा बयान दिया है। वो बयान ये है
कि जो है वो 85,000 पुलिस कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी देने में पंजाब सरकार असमर्थ नजर आई। पंजाब सरकार क्योंकि चुनाव की जिम्मेदारी जो है सीधे तौर पर प्रशासन की है, पंजाब पुलिस की है, लेकिन उसी पंजाब पुलिस की तनख्वाह जो है, सैलरी जो है वो रोक दी गई है या उनको बहुत लेट दी जा रही है, जिस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये पंजाब की बात करने वाले, पंजाब के हित की बात करने वाले और पंजाब को रंगला पंजाब बनाने वाले आज जो है वो सैलरी भी नहीं दे पा रहे, यानी कि सीधे तौर पर कई तरह के सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पर जो है रवनीत बिटू ने उठाए, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि बीजेपी बहुत झूठी पार्टी के साथ साथ इनके पास पता नहीं ऐसा क्या मलम्मा है, कैसा पेंट है कि रवनीत बिट्टू वर्गे एक दिन में ही बदल के उल्टे बयान देने शुरू कर देते हैं। अभी तक तो किसी पुलिस कर्मचारी की तनख्वाह रोकी नहीं गई, झूठ पे झूठ ये लगातार बोल रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये भ्रष्टाचार की मैडम रमा जी बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि वो लीडर जिनके खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप इल्जाम लगाती रही है, जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई भेजती रही है बीजेपी, जब वो लीडर इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, गंगा जल फेंका जाता है उनके ऊपर, पवित्रम पवित्रम किया जाता है, वॉशिंग मशीन में उनको निकाला जाता है और उनके ऊपर सारी ईडी की कार्रवाई भी बंद हो जाती है। अब मैं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया चक्की पी सिंह, दो दिन बाद वो बीजेपी में आ गया, वो पवित्र हो गया। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ आपको याद होगा ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, जब वो बीजेपी में आ जाता है तो ये कहते हैं जी कि उसकी फाइल क्लोज कर दी जाए 19 मार्च 2024 को। छगन भुजबल, सुन सो, उस पर भी आ रहा हूँ, सुनिए जरा आपके, मैं बता रहा हूँ ना कि आप जिन भ्रष्टाचारियों को कह रहे थे, मैं आप ही की लिस्ट बता रहा हूँ। छगन भुजबल को बीजेपी खुद भ्रष्टाचारी कहती थी, अब कहती है जी उसकी फाइल ही गुम हो गई। यदुरप्पा, अच्छा हाँ, हेमंत विश्व शर्मा क्या कहते थे कि जी उसके खिलाफ बुकलेट जारी कर दी थी बीजेपी ने कि ये करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो बीजेपी में आ गया तो पवित्र हो गया। कितनी एग्जांपल दूं, पंजाब की देता हूं, सुंदर शाम अरोड़ा खुद पैसे लेके पहुंच रहे हैं जी ऑफिसर के पास, मनप्रीत बादल फ्लोट्स के ऊपर कितना बड़ा शोर मचा है जी। अच्छा, कितने की इनके लीडरों की एग्जांपल दूं। अच्छा, दूसरी बात, अब ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। अबे मैडम प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिए, सबर तो कर लीजिए, सबर और संतोष दो चीजें। अब ये बात कर रहे थे जी डबल इंजन की सरकार, तो भाई मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार थी, हरियाणा नू में भी डबल इंजन की सरकार थी, बुरी तरह फेल हुई। तीसरी, फसल बीमा योजना, किसानों की जितनी मांगे हैं केंद्र से रिलेटेड है, किसानों ने कहा कि हमें फसल बीमा योजना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट्स को फायदा देने का घोटाला इनका। अब चौथी है, रवनीत बिट्टू जी की बात कर रहे हैं, अरे भैया उनके दादाजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, इनको पता लग गया कि अब मोदी जी का जादू पंजाब में नहीं चल रहा, अब मोदी जी का पंजाब में जादू नहीं है, तो एक मरे हुए को भी शामिल कर लिया अपनी पार्टी में जिनका मौत हो चुकी है, जो कांग्रेसी थे, जिनके ऊपर कांग्रेस का झंडा लगाया गया था, उनके ऊपर वो सिमटों को दी गई थी, छोल दी गई थी, और इन्होंने तो बेअंत सिंह जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया उनकी मौत के बाद, क्योंकि इनको पता था मोदी जी का जादू पंजाब में नहीं चल रहा। रवनीत बिट्टू जी की बात कर रहा हूं, रवनीत बिट्टू जी को यह महसूस हो रहा है कि भैया अगर मैंने बीजेपी में आगे जाना है तो इनके जो लीडर झूठ बोलते हैं उससे बड़े बड़े झूठ मुझे बोलने पड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि सर ठीक है, मैं आपको उनका सवाल जो है एक बार फिर दोहरा देता हूं, वो कहते हैं कि सैलरी लेट कर दी, सर कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने सैलरी लेट कर दी है पंजाब पुलिस के अधिकारियों की। जजवीर जी, आपके पास किसी अधिकारी ने या कहीं भी किसी अधिकारी ने ये शिकायत की है, किसी पुलिस अधिकारी ने कोई शिकायत की? मैडम रमा जी प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिए, देखिए मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास तथ्य हैं, मैं सच बोल सकता हूं, आप झूठ को छुपाने के लिए डिस्टर्ब ना कीजिए। कभी किसी पुलिस कर्मचारी ने या किसी ऑफिसर ने शिकायत की है अभी तक? उनको सपना आ गया, मैं बता तो रहा हूं, उन्हें लग रहा है कि मैंने अगर बीजेपी में आप तो गया, अब ग्रोथ लूंगा तो मुझे बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। इस चक्कर में वो कोई ना कोई रोज, एक दिन तो वो कह रहे थे आपके सामने ही थे कि जी पंजाब और दिल्ली की सरकारें तोड़ दी जाएंगी, लोकतंत्र की दुहाई देने वाला लीडर जिस दिन बीजेपी में शामिल होता है, डेढ़ दिन के बाद, महज 36 घंटों के बाद लोकतंत्र की हत्या की बात करने लग जाता है, वो है रवनीत बिट्टू जी। सो मेरा कहने का भाव ये है जी, देश में सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़े फ्रॉड, सबसे बड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड, ईडी भेज भेज के वसूली, जिसको कहते हैं वसूली करना, बीजेपी कर रही, सबसे बड़ा धोखा जो आपका टाइटल है।
अब एक बार शीतल की बात कर देंगे, जलंधर से जो आपको छोड़ के आए हैं, वो उनको भ्रष्टाचारी हैं या वो दबाव में आए हैं या वो क्यों आए हैं, उसके बारे में भी आप खुलासा कर दें। आप तो सच बोलते हैं। बिल्कुल जी, जब जजवीर जी टाइम दीजिए, मैं उसका भी खुलासा कर दूं। सुनिए आप शीतल अंगुराल जी, ठीक है पासी जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा अजय कुमार। ओके, कोई बात नहीं, अपनी बारी में बता दूंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जिस एजेंडे को आप आगे लेके जा रहे थे, इसके ऊपर आप चुनाव, आप एक बड़ा मुद्दा उसको बना के चुनाव जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, वो मुद्दा मैं आपको बना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है सवाल खड़े किए हैं। वो कहते हैं कि बंदी सिंहों के नारे और बंदी सिंहों की बात करने वालों को ये भी पार्टियों को नहीं पता कि बंदी सिंह कितने जेलों में बंद है, उनको ये भी नहीं पता कि बंदी सिंहों की वो बात कर रहे हैं और कितने बंदी सिंह जो है वो जेलों में बंद है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि बंदी सिंहों के नाम पर सियासत की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शहीदों का नाम जो है वो गुरु पीरों को हम कहते हैं कि उनकी शहादत हुई उस समय, उनकी शहादत को लेकर उन्होंने शहादत का जाम पिया। तो वो कहते हैं कि आज कोई भी अगर किसी की किसी तरह से होती मौत होती है तो उसको शहादत के नाम पे उनका नाम जोड़ दिया जाता है। ये शहीदों के अपमान करने वाली बात है, हमारे गुरु पीरों का अपमान करने वाली बात है, जो कि जो पंजाब की सियासी पार्टियां कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान है जी। जजवीर जी देखिए, जो ये जो आपने बयान बताया बीजेपी का कि कितने बंदी सिंह हैं, इनके पास सारा डेटा गया हुआ है, इनके पास सारा डेटा है इस बात का। अगर डेटा गया उसी के बिहाफ के ऊपर तो बंदी सिंहों की रिहाई की बात की जा रही है। धर्म की राजनीति हमारे यहाँ से नहीं होती, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता। केंद्र की सरकार के मन में मैल है, अगर वो पंजाब के लोगों के साथ, पंजाबियों के साथ इंसाफ करना चाहती है तो इनको, हमारे ये जो मुद्दे थे, हमने एनएसए के ऊपर भी इनसे बात की है कि जो भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए आपने दोबारा लगा दिया है, इसका भी विरोध किया था, इसके ऊपर हमने धरना भी दिया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी नहीं सुनी है। तो धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां केंद्र की पार्टियां हैं, ये हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज आपने कही है कि जो बंदी सिंह है इनका जो पूरा का पूरा विश्लेषण करके इनको दे दिया गया है, इनको पता है कि कहां कहां कितने बंदी सिंह जो हैं वो अपनी सजाएं भुगत चुके हैं, तो अब इनको रिहा कर देना चाहिए। कईयों को कर दिया गया है जिन लोगों की सजा पूरी हो चुकी है। तो बोल रहे हैं सर, उसी बात पर उनका बयान है कि सियासत की जा रही है, वो यही बात कहते नजर आए कि भाई सियासत क्यों हो रही है। सियासत सर, सियासत तो बिल्कुल, सियासत कहां हो रही है सर, हमारा एक मुद्दा है एनएसए का, अब उसके ऊपर कौन सियासत कर रहा है। हमारा एक मुद्दा है कि हमारे बंदी सिंह रिहा किए जाएं, अब वो करने किसने है, केंद्र की सरकार और पंजाब की सरकारों ने मिलके। तो सियासत हम लोग थोड़ा करें, सियासत तो सेंटर से हो रही है या मौजूदा सरकार से हो रही है कि ये लोग इन मुद्दों को उठाए रखे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए, ये मसला सॉल्व हो जाए, शांति हो जाए, बात खत्म हो जाए। जो अमृतपाल जी को एनएसए लगा वो एनएसए उस पर खत्म किया जाए, इसको पंजाब की जेल में शिफ्ट किया जाए और बात खत्म हो जाए। उस समय भी मोदी सरकार सत्ता में थी, आप गठबंधन में थे, उस समय 9 मार्च का रिश्ता था, आप अपनी बात रख सकते थे। उस समय क्यों बंदी सिंहों का मुद्दा नहीं उठाया गया, उस समय क्यों बात नहीं की गई, क्योंकि आपकी तो सरकार थी, भाई वाली सरकार थी, आप बात करते उस समय भी। आज क्यों ये बात, मैंने अपनी इसी को लेकर मैंने अपनी पिछली डिबेट में भी आपको ये बात बताई थी कि बातें तब भी हुई थी, लेकिन तब भी सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि आश्वासन ही दिया गया था, अभी आश्वासन ही दिया गया है। तो इसलिए हमारा जो इनका 9 मास का रिश्ता था तो अब उसमें डिफरेंशिएट हो गया, इसलिए हुआ है सर कि जब हमारी जो हमारे मेन मुद्दे हैं पंजाब के मुद्दे हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है, पंजाब के पंजाबियत की पार्टी है, तो हमने अपने मुद्दे पहले, सूबे के मुद्दे पहले रखने हैं। भाईवाल पार्टी होना एक अलग चीज है, लेकिन हम अपने मुद्दों से भटक नहीं सकते, हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, आप धर्म की राजनीति श्रोमणी अकाली दल नहीं करता है, साथ में ये भी बात कहते रहे कि हम मुद्दों की बात करते थे, हम अपने जो सिख कौम के मुद्दे हैं उनको लेकर बात करते थे, इसी के चलते गठबंधन जो है वो टूटा है। रमा महाजन जी का मैं रुख करता हूँ। मैडम क्या कहेंगे, अकाली दल का ये भी एक बड़ा बयान है कि भाई हमने इसीलिए गठबंधन तोड़ दिया, वो कह रहे कि किसानों से पहले हम ये बात समय समय पर उठाते आए हैं बंदी सिंहों को लेकर, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। बात इनकी सुनी गई है, जिनकी सजा पूरी हो गई है उनको छोड़ दिया गया है और जिनकी अभी सजा है उनको रखा गया है, और ये बात जो है केंद्र के ध्यान में है, इस पर काम हो रहा है। ये ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं सुनी गई है इनकी बात सुनी गई है, उस पर काम हो रहा है।
जितनी हितेशी केंद्र की सरकार सिखों के प्रति है और किसी के प्रति नहीं है। एक सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी जी के दिल में सिखों के प्रति, क्योंकि एक एक जबरदस्त कौम है, एक सशक्त कौम है और उसके साथ साथ एक देशभक्त कौम है। जब भी देश पे कोई मुसीबत आई है, इस कौम ने आगे होकर देश की और पंजाब की रक्षा की है, और ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर ये करतारपुर का लांगा खोला गया है, ये सिखों के लिए खोला गया है। अगर पटना साहब में जो उनके त्योहार मनाए गए हैं, वो इन्हीं के कारण मनाए गए हैं कि मोदी जी के दिल में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उसको वो अपना जाहिर भी करते हैं। वीर दिवस मनाया गया है, इसीलिए मनाया गया है। चुनाव में ये मोदी मैजिक पंजाब में चलेगा कि ठीक है, आप बता रहे कि एक कौम जो है सिख कौम जो है वो कौम बहादुरों की कौम है और मोदी सरकार उन्हें नमन करती है और इसी के चलते सबसे ज्यादा अगर आप स्नेह देती है तो सिख कौम है, तो क्या ये मोदी मैजिक जो है वो चुनाव में चलेगा? ये तो चलेगा ही, वो तो वही बात है कि मोदी तो आएगा ही। हम कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसके लिए, ये हम पर है। और अगर हमने अपने देश को बचाना है, आज हम घुस के मार रहे हैं पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान का हाल सुनो, वो चाहते हैं कि मोदी जी उनके वहां आए और उनका भी वैसा ही प्रधानमंत्री हो जैसे मोदी जी हैं। और 10 साल देश हुआ है, वो कभी नहीं हुआ। आज जो गौरव विदेश में है, भारत का है, वो सिर्फ मोदी जी के कारण है कि मोदी जी ने एक अच्छा लीडर जो है और एक अच्छी लीडरशिप जो है वो भारत को दी। चलिए ठीक है, मोदी जी जिस तरह से आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं ऐतिहासिक काम है, इसीलिए उनको जो है वो वरिष्ठ जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग कह दिया जाए या लोगों का प्यार उनको लिए कह दिया जाए, तो उस पर आपने ये बात कही है। विक्रम पासी जी का मैं रुख कर लेता, पासी साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने जो 10 सालों में कर दिया वो किसी पार्टी ने नहीं किया, और आज भी विदेश नीति की अगर उन्होंने बात की कि विदेश नीति भी इतनी बढ़िया बनाई मोदी सरकार ने, और इसी के चलते पाकिस्तान भी चाहता कि ऐसा लीडर हमारे पाकिस्तान को आगे बढ़ाए। देखिए जजवीर जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है जजवीर जी? अच्छा सुनिए जी, बिल्कुल सर। अब मैं कह रहा था ना जी कि बीजेपी का मतलब है बहुत जूठी पार्टी, ये चौथा इनका इंसिडेंट आ गया। कहते हैं जी पाकिस्तानी चाहते हैं कि मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री बन जाएं, ऐसे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बन जाएं। तो भैया जाइए पाकिस्तान के, बन जाइए, जाइए तो सही, देश का कुछ भला तो कर दीजिए। कहते हैं जी देश को इतना तरक्की कर दिया, जी हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 55 नंबर से खिसक के 111वें नंबर पे पहुंच गए। बांग्लादेश का टका भारत के रुपये से मजबूत हो गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, और ये कह रहे हैं जी कि देश को तरक्कियां दे दी हैं और पाकिस्तान चाहता है मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री। अच्छा दूसरी सुन लीजिए, एक अजय जी कह रहे थे जी कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। ये दोनों पार्टी है ना जो बीजेपी अकाली दल, ये राजनीति ही धर्म की करती है जजवीर जी, अभी तक का इतिहास रहा है। और इन दोनों ने जब तो मिलके सरकारें चलाई तो 9 के 9 बंदी सिख याद नहीं, अभी 9 की लिस्ट गई हुई है। मैं बता दूं, कह रहे थे ना कितने बंदी सिख हैं, तो 9 की तो एसजीपीसी ने डिमांड की, लेकिन जब सरकार में आया था ना अकाली दल बीजेपी के साथ, तो बंदी सिख याद नहीं आए थे, पंजाब के मसले याद नहीं आए थे। याद क्या आया था? सबसे बढ़िया जो है ना मंत्रालय बीबा बादल जी को मिलना चाहिए। पंजाब में 7 से 5 मंत्री जो होंगे ना वो बादल परिवार से होने चाहिए। जब जब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, अकाली दल उसमें शामिल रहा है, तब पंजाब कभी याद नहीं आता है। अब जब हाशिए पे चला गया तो परिवार बचाओ यात्रा शुरू कर दी। तीसरी बात मैं इनको बताना चाह रहा था कि ये कह रहे थे किसान हितैषी होने की, पंजाब हितैषी होने की। अभी परसों की बात है जजवीर जी, बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों में पत्थर चले हैं, आपके चैनल पे भी चली होगी ये न्यूज। हंसराज हंस जी कह रहे थे जो लोग मेरे गानों पे वाह वाही कर रहे थे, अब मुझे गालियां निकाल रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे मुझे गांव में। ये किसान हितैषी अगर होते ना तो किसान पलके बिछा के इनका स्वागत कर रहे होते। इतने फूल तो ये मोदी जी के ऊपर ना बरसाते जितने पंजाबी इनके ऊपर बरसाते। अगर इन्होंने पंजाब का RDF ना रोका होता, पंजाब से मतरेई मां जैसा सलूक ना किया होता, पंजाब से मतभेद ना किया होता। सिर्फ बातें, जुमले और कुछ नहीं। छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी।
जितना दगा आप पार्टी ने पंजाब के साथ किया है, जितना उसको कर्ज में डुबोया है, शायद किसी ने डुबोया हो पंजाब। जजवीर जी जवाब ले लीजिए, 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश के ऊपर, 1.25 लाख रुपया बच्चा पैदा होते ही कर्ज ही है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। ये कर्जे की बात कर रहे हैं, 5 काम बता रहे जो आपने किए हो पंजाब के लिए। सुन लीजिए, 5 क्या ज्यादा गिनाता हूँ जी, सुनिए जजवीर जी, 1 मिनट दे दीजिएगा, 5 काम तो गिना दूं, इन्होंने मांगे हैं सर अगर इजाजत हो। पहला काम, इलेक्ट्रल फंड का घोटाला नहीं किया, लोगों को 300 यूनिट हर महीने फ्री दी। दूसरा काम सुन तो लीजिए जी, सुन तो लीजिए, 90% लोगों को। दूसरा काम, बीजेपी की तरह 2 करोड़ नौकरियों का, झूठ नहीं बोला, 42,000 बच्चों को पंजाब में रोजगार दिया। तीसरा काम सुन लीजिए, अब आपने पंगा ले लिया तो सुन तो लीजिए, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी से इलेक्ट्रल फंड नहीं लिया, आम गरीबों के लिए आम आदमी क्लिनिक चल रहे हैं 829, जहां लाखों लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। चौथा सुन लीजिए, अभी 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 डिस्टर्ब ना कीजिए मेरी बहन रमा जी, आप ही ने पूछे थे 5 काम, अभी बता रहा हूं। चौथा काम, गंगा सफाई के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला नहीं किया, बल्कि टिल एंड तक सड़कों नहरों का निर्माण किया, किसानों को 38% नहरी पानी ज्यादा दिया। पांचवा काम, करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया, करप्ट लोगों को गंगा जल छिड़क के अपने में शामिल नहीं किया। और गिनाऊं 5 अगर कहो तो, और भी गिना दूंगा 5। अजय कुमार जी के बारे में अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल और उन सवालों के जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है और ये सीधे तौर पर जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि वे धर्म की राजनीति करती है, पासी जी ने कई सवाल आपसे पूछे, क्या कहेंगे? देखिए पासी जी बड़े बड़े भाई जैसे हैं, रिस्पेक्टेड हैं, तो मैं इनको इनके सवालों का जवाब देना चाहूंगा कि धर्म की राजनीति की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करने वाले, मैं बताता हूँ, थोड़े दिन पहले ही इनके एक एमपी कैंडिडेट लालजी सिंह बुल्लर जी ने एक 2 धर्मों के ऊपर ही इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी थी कि जिसका पूरे पंजाब में रोष है, 2 भाईचारों के ऊपर इन्होंने बहुत गंदी टिप्पणी कर दी थी और अपने आप को बहुत सुपीरियर बताया था और उनको बहुत नीचा बताया था। धर्म की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। दूसरी चीज, ये 5 काम गिनाते, मैं गिनाता हूं गिन के काम। 1,000 रुपया कहा चला गया पासी जी? नोटिफिकेशन जारी नहीं, नोटिफिकेशन जारी हुआ ओल्ड पेंशन का। दूसरा काम, वो कहां गया आपका? 5 रुपए फुट रेता देंगे, वो कहां गया? BMW के प्लांट लगेंगे, वो कहां गए? नशा खत्म होना था, 3 गुना बढ़ गया है, वो कहां गया है? किसान आपके विरोध में खड़े हैं, शुभकरण की FIR 0 लिख के आपकी पार्टी ने पूरे पंजाब को शर्मसार कर दिया। नशीली जहरीली शराब पीने से 23 लोग मर गए। वैसे आप बोलते हैं हम सबको 1 करोड़ रुपए देते हैं, वहां 2 लाख रुपए दे के पंजाबी जी कहते ना गोगलों की मिट्टी चाड़ती, वो करके आए। आप ही के CM थोड़ी दिन पहले कह रहे थे ये जो पंजाब में अभी ओला वर्षा हुई है इससे जो खेती का नुकसान हुआ है उसके हम मुआवजा देंगे। अरे भाई, जो पिछले हाड़ में बाढ़ में लोगों के हो गए थे, वहां जिसमें आपने मरी बकरी मुर्गी का देना था वो तो आपसे दिया नहीं गया। तो ये झूठी बातें मत किया कीजिए, पंजाब के लोग आपको अच्छी तरह समझ चुके हैं। सिर्फ आप पंजाब को चला नहीं रहे हो, लवारी छोड़ दिया है। आपका सारा ध्यान तो अरविंद केजरीवाल की ड्यूटी पे जाने में लगा हुआ है। अगर उसका BP बढ़ जाता है तो भगवंत मान जी का भी बढ़ जाता है, जवाब ले लीजिए, बढ़ जाता है तो पूरे पंजाब का बढ़ा देते हैं, उसके लिए अनशन कर देते हैं, शुभ करने के लिए अनशन नहीं किया, पंजाब की लड़की को नंगा घुमाया जाता है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है, ये आपकी ये बातें हैं। आप 5 कहते हैं, मैं 15 गिनवा देता हूँ आपके। बिल्कुल, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि ये पंजाब की सरकार या जागर लाल बुजीत बुल्लर जी ने कोई उनसे इमोशंस में कोई बात कही थी, साथ की साथ माफी मांगी थी? आपकी सरकार, आपकी अकाली दल ले तो ना, याद करो ऑपरेशन थंडर जोन हुआ था, जो थंडर याद है, माफी नहीं आज तक मांगी। दूसरी, आप किसानों की हितैषी की बात कर रहे हो ना,
तो सारी डिमांडें केंद्र के साथ रिलेटेड है जहां आप भी सत्ता में भाईवाल रहे हो। तीसरी बात ये जो कह रहे हैं ना जी, सुन लो, एमएसपी की भी केंद्र से डिमांड थी, मोदी जी ने खुद कहा था 2011 में, नहीं जी नहीं गया 2011 में, मोदी जी चेयरमैन थे, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी पे गारंटी है, और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी कहा था और आप भी उसमें शामिल थे क्योंकि आप भी उसी का हिस्सा थे। अब चौथी बात सुन लीजिए, पंजाब के हितैषी बनने की जो आप बात कर रहे हो ना कि आप लोगों के यहाँ के समय पंजाब के अंदर नशा, अगर हम तो एक्शन ले रहे हैं, आप तो पैदाइश करने वाली पार्टी थी, आपकी सरकार के समय पंजाब में नशा इंट्रोड्यूस हुआ, आपके समय में टारगेटें क्लीन हुई थी, आपकी सरकार के समय पंजाब में चिट्टा इंट्रोड्यूस हुआ था, आपके लीडर के ऊपर एफआईआर है, इल्जाम लगा रहे हैं आपके लीडर के ऊपर एफआईआर है, अंदर जाके आया आपका लीडर, कुछ नहीं है साबित, कुछ नहीं हुआ अंदर जाके आया, तो साबित तो केजरीवाल जी के खिलाफ भी नहीं हुआ, साबित तो केजरीवाल जी के खिलाफ भी नहीं हुआ, वहां पे क्यों आपके फिर पेट में मरोड़ उठ जाता है भाई, जब आपका लीडर खुद चिट्टे के मामले में, मैं तो कहता हूं पंजाब का सीएम है भाई साहब, पंजाब के लोगों ने जिताया था, अरे आप पंजाब को लवारिस सुन लो अब इंटरप्ट ना करो, सुनो ये पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी नहीं है अकाली दल, पंजाब के लिए खतरा पार्टी है, पंजाब के सभी हित इन्होंने केंद्र के पास गिरवी रखे थे बीजेपी से सिर्फ मिनिस्ट्रियां लेने के लिए, ये खतरा पार्टी है पंजाब की, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। और बता दीजिए जरा किसकी मुर्गी थी, बकरी किसकी थी, बता दीजिए जरा, बकरी वाले का नाम बता दीजिए, मुर्गी वाले का नाम बता दीजिए, बैठ के सिर्फ झूठ बोलना आता है, बताओ तो सही कौन था बकरी वाले का नाम, उसके पिता का नाम, किसान जो, अरे बोला था तो बताओ तो सही किसको नहीं मिला, कल किसानों ने नहीं मिला, उसका नाम पता तो बता दो, नाम पता तो बता दो, छोटे खजाने बड़े बड़े हैं, लेकिन साहब छोटे भैया बड़े हैं, अरे छोटे भैया नाम पता तो बता दो, किसी को जान लेने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, ने किया दगा, ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है, बड़ा बयान है हरजीत सिंह गरेवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, उनका ये कहना है कि किसानों की हताशी पार्टी है बीजेपी, और पंजाब के हित के लिए जो बीजेपी ने कर दिखाया वो किसी ने नहीं कर दिखाया, और 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के साथ जो है कई तरह के विशेष पैकेज दिए हैं, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बात भी उनके द्वारा की गई कि सिखों के धाम को खोल दिया गया और अरदास की जाती है, और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि 84 के दंगों पे जो दोषी है उनको भी मोदी सरकार ने सजा दिलवाई है, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो पंजाब और सिख कौम के साथ में जो है मोदी सरकार ने न्याय किया है, इसी के चलते वो लोकसभा चुनाव में जो है पंजाब में इस बार अकेले चुनाव लड़ने का जो है वो फैसला ले चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है, कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।